Yeah, I'm going to do the series. मैंने शुरू किया है ट्विटर से. इंशाल्लाह वी गोना कंटिन्यू डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ ऑन दिस टॉपिक ओनली. बाकी के जितने प्रोग्राम्स होंगे वो तो ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट बिल्डिंग होंगे इंशाल्लाह. ये इंशाल्लाह वाला जो जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करने का मकसद ये है कि हम एक प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट करें खुद सोचने की और इसको एक पार्ट ऑफ एक प्रॉपर यूथ नैरेटिव डेवलप किया जाए बच्चों को और लड़कों को लड़कियों को इवन बिग यू नो ओल्ड एज पीपल इज वेल. देयर इज नो लिमिट टू आई मीन कि कब आपने खुद सोचना शुरू करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू कीप प्रेजेंटिंग द साइंस ऑन हाउ द ब्रेन एक्चुअली वर्क्स. आपको पता होना चाहिए जहन काम कैसे करता है, क्या मशीन अल्लाह ने बनाई है, वो क्यों वो किन किन कौन कौन से बटन ऐसे लगे हुए हैं, कौन कौन से पुर्जे ऐसे हैं हमारे अंदर जो कि केमिकली हॉर्मोनली हमें ड्राइव करते हैं कि हम खुद ना सोचें. हमारा हमारे हमारे अंदर बहुत ये नेचुरल फिनोमिना है, ट्रिगर्स हैं हमारे कि हम ना सोचें. ये समझना बहुत जरूरी है. हमारा सोचने के खिलाफ ज्यादा आसानी है, सोचना एक कठिन काम है. ये पहले हमें एस्टेब्लिश फैक्ट के तौर पे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि इंसानी दिमाग असल में जब सोचता है तो उसको डर और फियर आता है. वो दो तीन चीजों का फियर है और वो बहुत जरूरी है कि आप सबको पता हो. और वो उस फियर के आड़े बड़े बड़ा पीसमार खान और सूरमा जो है ना वो हार जाता है क्योंकि वो एक इंटरनल फियर है और वो उसकी काफी सारी किस्में हैं. वो मैं एक एक करके इसी सीरीज में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ व्हेनेवर अल्लाह इज डेस्टिंग मी टू कीप स्प्रेडिंग द मैसेज. द मोर आई रीड द मोर आई सी दोज डीमंस. वो डीमंस हमें नजर आते हैं, वो जिन अपने खुद पाले हुए हैं जो कि पैदाशी हमारे साथ होते हैं. उनमें से सबसे बड़ा फियर जो है वो ये है कि अगर मैंने अपने ही बाप को या अपने ही उस्ताद को के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया, चैलेंज कर दिया, तो मेरी अपनी आइडेंटिटी शैटर हो जाएगी क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को टैग करता हूँ अपने उस्ताद के फलसफे के साथ, अपने बाप के फलसफे के साथ, अपने बड़ों के उस नहज के साथ. तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि इंसान फेस करता है और उस प्रॉब्लम को के खिलाफ एक पूरा मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म है हमारा. जो जाहिर है इतना बड़ा मसला है कि अचानक दुनिया खत्म हो जाए, सब कुछ जीरो हो जाए, आपका आपका वर्ल्ड व्यू शैटर हो जाए, आपका फलसफा मीनिंगलेस हो जाए, आपकी जो जिद्दत है, जो तहरीक आपके अंदर आती है रोज सुबह उठ के कोई एक खास तरफ आप गामजन होते हैं किसी एक मकसद की तरफ, वो एकदम मकसद की वैल्यू खत्म हो जाए. तो सोचें कितनी बड़ी डिप्रेशन की एक पूरी वेव है जो आपको आगे हिट करती है. ये इस वेव को के खिलाफ, इस पूरे इस फिनोमिना के खिलाफ इस हमें कोपिंग मैकेनिज्म करते हैं कि इससे बहुत बेहतर है कि हम इस तरफ जाएं ही ना. और जब भी ऐसी आवाज अंदर से आती है वो तो अल्लाह ने डाली हुई है कि क्या पता कि मेरे बाप के पास या उस्ताद के पास कुल इल्म तो नहीं है, क्या पता ये गलत हो. ये अंदर की आवाज को फिर हम सारी उम्र सप्रेस करते हैं. ये साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली पॉसिबल नहीं है. फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो है ना, द इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ इस्लाम कॉल्स फॉर इट कि पर्दा उठा के देख, खुद सोचना शुरू कर, क्या पता कहाँ पे गलती हो सकती है, हुई है इन सब से. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये सब भी ठीक हैं और उसके बाद भी मामलात की वो हालात हैं जो आजकल के हालात हैं. अगर ये सारे स्कॉलर्स ठीक हैं, सारे प्रोफेसर्स ठीक हैं, सारे चाचा मामा ठीक हैं, सारा जत्था दुरुस्त है, तो फिर इतने पस्त हालात में क्यों हैं हम. सो हालात इतनी जोर से आके थपेड़े की तरह ये पूरी इमारत को गिरा रहे हैं हमारी, कि जिसकी जिस इमारत पे हमें बड़ा नाज है कि हाँ नहीं मेरी स्कॉलरशिप ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन ठीक हैं जो फिलोसफी की इस्लाम में हमें पहुंचाई गई हैं, वो अगर ठीक है तो फिर ये जबू हाली किस लिए है. वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब एक लड़का लड़की किताब खोलते हैं तो पता चलता है कि सहाबा इकराम ने बगैर पैसों के पूरी दुनिया फतह कर ली थी. वो ठीक तरीके से
चले तो हम उनकी तरीके पे हैं तो फिर, या उनके फलसफे पे हैं तो हमारे साथ ये क्या हालात हो रहे हैं। फिर हर तरह का 2 नंबर बहाना, 1 नंबर बहाना हमारे जहन में चला कि नहीं वो हमारे ऊपर शैतान का टेस्ट ज्यादा है, या हमारे ईमान कमजोर है तो इसलिए ये मामला हुआ है। हर एक ने अपनी अपनी एक ना एक जस्टिफिकेशन रखी होती है। और वो सहाबा थे, नबी अलैहिस्सलाम की बरकत थी वहां पे, खुद वहां पे अल्लाह ताला का हाथ का इस्लाम में फैलना था। हर बंदे ने अपनी अपनी एक छोटी सी एक एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर से एक जस्टिफिकेशन निकालता है, रोज दवाई की तरह पीता है और सो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि अंदर की आवाज दबती तो है नहीं, रोज इस बॉक्स में से एक दवाई की पुड़िया निकालनी पड़ती है हमें अपने आप को सुलाने के लिए। और बहुत ही बड़ा मसला, उससे भी बड़ा मसला ये हो जाता है कि जब हम शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे सीधे सीधे सवाल करते हैं और उनके आंसर हमें नहीं आते, हम उनको तो नहीं कह सकते कि बेटा मेरे पास एक बुढ़िया है, तुझे भी पिलाऊंगा, तू भी इसी तरह बूढ़ा हो जाएगा, फिक्र ना कर, रही जिंदगी गुजार ले किसी तरीके से, गुलाम ही सही, पस्त ही सही, मगर सुकून आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। ये है एक कथा जो कि कई नस्लों से चली आ रही है हमारे हमारे सामने। आप सब असल में बेसिकली बोर्न फिलोसफर्स हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है, हर इंसान को, चाहे जितना मर्जी अनपढ़ है, जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, सोचने से मुबर्रा नहीं है वो। वो सोचेगा ही सोचेगा। अब उस सोच को किस तरीके से थपकी दे दे के अपने उस इत्तबा को, अंधी इत्तबा को जस्टिफाई करना है, या फिर उसको एक जोरदार घोड़े की तरह उसके ऊपर बैठना है और निकल पड़ना है उस काविश में कि मैंने भी उसी साइकोलॉजी पे, उसी फिलॉसफी के ऊपर जिंदगी गुजारनी है कि जो कि अल्लाह ताला की इस पूरी कुल इल्म को अल्लाह ताला ने एक किताब में समोया कि तुम्हारे लिए काफी है, सब कुछ कर लोगे, सारे के सारी मनाजिल तय कर लोगे, ये लो किताब, और उसकी बिना पे सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया के वो वाले काम करके दिखा दिए जिसका जिसका समर हम अभी भी खा रहे हैं। और बहुत बड़ा जो डिसोनेंस है आता ना हमारा कि अगर वो कर चुके थे तो हम क्यों नहीं कर सके, इसके खिलाफ जो हारे हुए फौजी, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो पैदा ही गुलामी में हुए थे, उन्होंने गुलामी की ही मनूवरिंग लिखी थी, उनकी बातों को मान के हम भी कहते हैं वो भी तो चलो, वो भी तो अगर वो नहीं कर सके तो हम कैसे करेंगे। ये हमारे जो जितने भी, मैं खाली मौलवियों की बात नहीं करता हूँ, जितने भी एकेडेमिया के स्कॉलरशिप्स गुजरी हैं हमारी, हमसे पिछले, वो सब के सबने जब हमें जस्टिफाई, जिस तरीके से भी जस्टिफाई कर दिया, हमारे लिए काफी हो जाता है कि खैर है, द वे थिंग्स आर जैसे ही है बस वैसा ही है, इसके अलावा कुछ और चाह रहा हम, दिस इज द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन दैट वी कुड डू, दिस इज द लीस्ट ऑफ द इवल दैट वी एक्चुअली सेटल फॉर। और आप देखेंगे यही साइकोलॉजी माँ बाप बचपन में ही बताते हैं और हम उसी के ऊपर सेटल हो जाते हैं। होता क्या है, मसला ये है कि होता ये है कि फिर अचानक एक आवाज आती है, किसी को कोई ख्वाब आ जाता है, सुबह उठता है और नारा लगाता है कि नहीं मुझसे ये गुलामी बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे ही वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि नहीं ये तौक तोड़ो गर्दन से, ये पट्टे उतारो, खुदा का वास्ता है, मैंने किसी का पालतू नहीं जिंदा रहना, मैं सिर्फ अल्लाह का गुलाम हूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो ये जुमला इतना पावरफुल क्यों है, इतना अट्रैक्टिव क्यों है ये जुमला कि दुनिया में जिस जत्थे में भी जिस लड़के लड़की ने अकेले होके ये बात करती है कि नहीं मैं गुलाम नहीं, मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सोचें ये जुमले में क्या ऐसे अल्फाज हैं कि मैंने गुलाम नहीं मरना किसी, जुमला इतना अट्रैक्टिव क्यों है, कभी सोचें कि ये दूरी दुनिया में किसी भी खत्ते में बोला जाता है। तो ये चाहे जो भी रंग और नस्ल हो आपकी, ये सारे के सारे इस जुमले पे कान क्यों धरते हैं, उस बंदे को गौर से क्यों देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अब अंदर की उस फितरा को चाबी की तरह, उस ताले की तरह फिट होता है और खोल देता है। ये फितरा की वो नेचुरल आवाज है, ये हर उस बंदे के लिए है जो इंसान पैदा हुआ है, ये आजाद बंदों के लिए भी है, ये गुलाम बंदों के लिए भी है, उतना ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंसान शुरू से सबसे पहले ये कोशिश करता है कि मेरी अपनी
जो जितनी भी काविशें हैं वो हक की तरफ हों, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ हों। मैं किसी किताबें ना हूं, मैं सिर्फ अल्लाह किताबें हूं। ये हर इंसान की नेचुरल नेट ख्वाहिश है। इट इज एज डीप एज इट गोज। मैंने जितने भी मुशाहिदे किए, जितने भी पढ़ाई किए, जितना मुताला किया, जितने लोगों से बात की, जितने तबसरे किए, उन सब के बाद एक ही ऑब्जर्वेशन की कॉमनैलिटी मैंने निकाली, तमाम ऑब्जर्वेशन की एक कॉमनैलिटी के हर इंसान बेसिकली एक खास उलझन में पड़ जाता है, एक डिप्रेशन में चल जाता है जब वो किसी किताबे आ जाता है। कुछ और करे ना करे वो जंजीर की तरफ घूर रहा होता है कि ये जंजीर क्यों मेरे गले का हिस्सा है या मेरे पैरों में क्यों बांधी गई। जितने मर्जी उसको पैसे मिल रहे हों, जितने मर्जी सेहत मिल रही हो, जितने मर्जी बीवियां मिल रही हों, जितने मर्जी बच्चे मिल रहे हों, गाड़ियां मिल रही हों, घर मिल रहे हों, अगर उसको टॉक लगा के दे रहे हों तो उसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि नहीं, कुछ भी मजा नहीं आ रहा मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जंजीर उतार दो। मैं आपको आपकी उस नेचुरल आवाज को दावत देने के लिए ये सेशन कर रहा हूँ। हर एक के अंदर है वो, लड़का हो या लड़की हो। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे दहरिया हो, गुलामी का टॉक किसी लेवल पे भी फितरा कबूल नहीं करती इंसान की। ये उस नेचुरल फितरा उस कोर की को आवाज देने के लिए रेडियो चैनल ट्यून किया हम सब, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपने ये चैनल को ट्यून करने की टेक्निक लोगों को सिखानी है क्या, कि अपनी फितरा तक जा भाई, अपने अंदर की आवाज सुन। चाहे तू बीवी है या माँ है, बाप है या शौहर है, बेटा है या बाप है, दादा है या दादी है, तुझसे एक घर के अंदर भी निजाम के अंदर इत्तबा किसी की वो गुलामी कबूल नहीं होती। तेरे अंदर जब तू तू सियासत में आता है तो किसी और निजाम की गुलामी कबूल नहीं होती। तू जब मुआशरे में चलता है तो किसी और सिस्टम के अंदर जो कि तेरी फितरा को आवाज ना देता, उसके रूल्स नहीं तुझसे बर्दाश्त होते। क्या चीज है तू, ऐसा क्या बेलगाम घोड़ा है कि तुझसे जब भी तेरे पर रस्सी डाली जाए तू तोड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत कोर की बात है। ये मैं मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी फितरा को पहचाने। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स वन ऑफ द कीज, दिस इज वन ऑफ द कीज दैट यू बेटर स्टार्ट टू अंडरस्टैंड के हुआ क्या है हमारे साथ, हम हैं कौन, किधर से आए हैं। और आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir, we can hear you. जी, all good. हम कहीं से तो आए हैं जो ये सब के सब एक ही तरह की एक फितरा को लेके आए हैं, एक नेचर को हम मतलब आप किसी अफ्रीकन कबीले में भी जाएंगे ना और आप ये लेक्चर देंगे ना कि भैया आजाद होना सीखो, आई स्वेयर टू यू जितने मर्जी लॉयल हो हर बंदा आपकी बात सुनेगा कि हाँ मुझे आजादी चाहिए। उसको ये नहीं पता होगा कि वो किस निजाम के ताबे है, उसको ये पता होगा कि हाँ आजाद होना जरूरी है। मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको आपके आपको आपको आपके जोश नहीं दिला रहा हूँ आपको, आई स्वेयर टू यू मैं होश दिलाने की बात कर रहा हूँ कि होश में आओ। होश का मतलब क्या है, आंखें खोल और देख अपने अंदर, तुझे पता चलेगा कि सबसे पहली डिमांड तेरी ये थी, तेरी सबसे पहली डिमांड थी कि तू आजाद हो। जहां भी आप मसला देखेंगे ना, किसी भी मुआशरती लेवल पे, इवन मुआशी लेवल पे भी, बट दैट्स अ लिटिल टेक्निकल डिबेट, सियासी लेवल पे, इंफरादी लेवल पे, इज्तमाही लेवल पे, जब भी आप मसला देखेंगे ना तो कोर में सबसे डीप लेवल के ऊपर उसकी कॉज के अंदर एक एक बल्ब जो है ना वो जल रहा होगा, एक शमा जल रही होगी, एक फ्लेम जो है ना फ्लिकर कर रहा होगा कि भैया सबसे पहले तो मुझे मेरी मर्जी के डिसीजन लेने दो, मुझे मुझे किसी की मर्जी मेरे ऊपर अप्लाई की जा रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बहुत जरूरी मैसेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हिट द कोर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आफ्टर स्टडीइंग इट एज मच एज आई कुड एंड आई एम कीप ऑन स्टडीइंग इट। आई एम इनवाइटिंग द नेचुरल मैन एंड द नेचुरल वुमन। आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई डोंट क्लेम टू नो any technicality of jurisprudence. I'm not talking about the masail of Islam. I'm talking about the philosophy of Islam, the make of the human being,
आदम अलैहिस्सलाम का बेटा आदम अलैहिस्सलाम की बेटी, हवा अलैहिस्सलाम का बेटा हवा अलैहिस्सलाम की बेटी। आई एम कॉलिंग टू द नेचुरल मैन एंड द नेचुरल वुमन टू ओपन योर ईयर्स एंड लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यू कैन नॉट बी अंडर द स्लेवरी ऑफ एनी अदर ह्यूमन बीइंग, यू कैन ओनली बी अ स्लेव ऑफ द मेकर हु मेड यू। सिर्फ अल्लाह का गुलामी करनी है, देयर इज इट। इस लेवल को अपने आप को पहचाने, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं हज़रत मुआज़ बिन जबल को पढ़ रहा था, पुरानी बात है, आई वॉज अ टीनेजर, आई एम प्रीटी श्योर इट वॉज वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस जो कि नेचुरल साइकोलॉजी को दावत देते थे। तो मैं बड़ी तफसील से, हज़रत मुआज़ बिन जबल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहबा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहबा। आई अर्ज यू कि मुआज़ बिन जबल पे जितना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम के सबसे फेवरेट साहबा में से एक है। मुआज़ बिन जबल के नबी अलैहिस्सलाम के साथ डायलॉग्स क्या हैं वो पढ़ें आप। मैं आपको जो किस्सा सुनाने लगा हूँ ना, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट के अलावा कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के अलावा आपके जहन की नसें अभी फट जाएंगी, दिमाग की नसें फट जाएंगी कि ये क्या बात कर दी आपने। अबू बकर सिद्दीक ने जब खिलाफत का की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने तमाम गवर्नर्स को जो डिप्यूट किए थे, मुआज़ बिन जबल यमन के गवर्नर थे जो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद डिप्यूट किया हुआ था, तो तमाम लोगों को खत गए कि भाई ये नया सिस्टम है, यू हैव टू रिपोर्ट टू अबाउट दीज थिंग्स टू मी एवरी इंटरवल। हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब खत मिला तो हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि ये आपने क्या निज़ाम निकाला है कि मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्योंकि तेरा सवाल मेरे से होगा, अल्लाह ताला ने जब मेरे से तेरा से सवाल भी करना है, हर एक का करना है, मैं जिम्मेदार हूँ। तो मुआज़ बिन जबल ने कहा कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, मगर मैं तो सिर्फ अल्लाह को जवाब दूँ, आपको अगर इस बात का नहीं पता या इस बारे में कुछ शक है कि मैं कितना ट्रू टू द पर्पज हूँ, ट्रू टू माई ओन कोर हूँ, तो फिर तो मैं गलत जगह पे बैठा हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारे तकवा पे, ना ही मुझे कोई शक है कि तुम सही काम करोगे, मगर मैंने अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। तो मुआज़ बिन जबल ने कहा कि ठीक है फिर आप किसी और को रख लें, क्योंकि मैं किसी इंसान को नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को रिपोर्ट करता हूँ, एंड हूएवर इज गोइंग टू बी इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स शुड नो दैट। एंड देन ही रिजाइन एंड ही वेंट टू सीरिया। नाउ आई एम नॉट, प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना इस वक्त के दिमाग आपके जहन में सवाल करेगा कि हैं ये क्या साहिल साहब, ये तो कन्फ्यूजन, इसमें एक कन्फ्यूजन भी है। अभी उस कन्फ्यूजन को साइड भी रखें, अभी आप एक नेचुरल साइकोलॉजी के सेशन में हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें कि जब भी आप देखेंगे एक नेचुरल कॉल, एक तो इंसान किसी भी दूसरे इंसान के अंदर अपनी उस फितरा को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ अल्लाह के अंदर अपनी फितरा को प्रैक्टिस कर सकता। Now it's a very big problem. I'll tell you why. There are a lot of things जो के scholarships claim करती हैं, academia की भी और philosophy की भी, and even theological scholarship भी, कि नहीं आपने एक खास system के अंदर nominated बंदों को ही follow करना होता है। तो ये फलसफा इन अल्फाज के चुनाव के साथ बड़ा शदीद खतरा रखता है अपने अंदर, और मैं उसके खिलाफ हूँ बहुत। उसको समझने की कोशिश करें कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें डायरेक्टली बताया कि आप खुद सोचेंगे, और जब तक आपके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी, आप किसी के गुलाम नहीं होंगे। गुलाम सिर्फ वो बंदा होगा जिसमें सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। और नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट ये तालीम दी मुसाबा को कि कोई किसी किताबें नहीं है, आप सिर्फ अल्लाह किताबें। आपके ऊपर जो इंचार्ज बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि कम्युनल अफेयर्स के अंदर जब जत्था इकट्ठा हो जाए, ग्रुप हो जाए, उसके अफेयर्स को अल्लाह के असूलों के थ्रू डिसीजन, टाइम बचाने के लिए लोगों की ये सारी की सारी ये जो मामलात की उलझन है वो सॉल्व करने के लिए जितनी जल्दी और जितने ऐसे तरीके से ये मामलात की कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करके लोगों को आसानियां पहुंचाई जाएं, वो उसका काम है। जिस दिन वो अल्लाह ताला की बजाय अपनी मर्जी करेगा, आपने उठा के बाहर फेंकना है उसको, आप उसके ताबे नहीं आए।
वो इंचार्ज ऑफ अफेयर्स है, वो इंचार्ज ऑफ ह्यूमन बीइंग कभी भी नॉमिनेट नहीं होता, ये याद रखिएगा। एक सरिये पे सहाबा इकराम को नबी इस्लाम ने खुद भेजा हुआ था, तो द मैन हु वाज इन चार्ज, साहबी ने उनको, उन्होंने एक अजीब सा ऑर्डर दे दिया। उन्होंने साहबा से कहा कि आग का अलाव जला हुआ था रात के वक्त, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहता हूँ आग के अलाव में छलांग लगा दो। साहबा ने चौंक के देखा कि ये क्या ऑर्डर दिया, बैठे रहे, कोई भी नहीं ला, कहते यार मैंने तुम्हें कहा है कि आग में छलांग लगाओ। ही आई डोंट नॉट नो, ये लिखा नहीं हुआ, हमारे तक नहीं पहुंचा कि उन्होंने ये क्यों ऑर्डर दिया था। मे बी ही वॉज ट्राइंग टू सी कि ये क्या कल जब हमारी जंग होगी कि कहीं कोई डाउट में तो नहीं होंगे जब मैं कोई ऑर्डर दूंगा। आई डोंट नॉट नो हिज फिलॉसफी, ही वाज नॉट रिटन। साहबा इकराम उस वक्त बैठे हुए थे कि ये क्या ऑर्डर दिया है। नोबडी एक्चुअली कंप्लाइड टू द ऑर्डर, ही सेड कि आप लोग डायरेक्ट अहकाम को आप जो है ना इनसबॉर्डिनेशन है, ये म्यूटनी है मेरे खिलाफ। दीज गाइज डिडंट डू दैट, नोबडी मूव्ड। ही कंप्लेन टू द प्रोफेसर सल्लम व्हेन ही दे केम बैक कि मैंने इनको ऑर्डर दिया था और इन्होंने ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया। साहबा इकराम ने अपनी स्टोरी सुनाई, नवीद अहमद ने कहा बाहू जी आपने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा आप इनसे पूछने से क्या ऑर्डर दिया था, इन्होंने ऑर्डर दिया था आग के लाओ में छलांग लगा दो। तो नवीद साहब ने कहा आपने क्यों नहीं फिर ऑर्डर कंप्लाई किया, आपके पीछे आपने क्या फलसफे को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा क्योंकि आग में छलांग में मर जाने अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नवीद साहब मुस्कुरा रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। जब तक अल्लाह की तबाह में आप को बंदा आपको ऑर्डर नहीं देता, आप उसको कभी भी आप इसी कंप्लायंस नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एक स्टोरी जो सुनाई है अभी पूरी, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीरा, किसी को शक शुबा हो तो जरूर पढ़े। दूसरा वाक्या तो हदीस में है, जो हदीस में है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कमांड के अंडर एक सरिये पे भेजे गए, साबियों के खिलाफ लड़ाई थी वहां पे भी। मैं अब तफसील में जाए बगैर आपको बताता हूँ, खालिद बिन वलीद ने जब कहा ऑर्डर टू किल किया और घोड़े दौड़ाए, सारे साबी एंटर हुए मैदान जंग में और उधर से फौज आई है, और वो फौज अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि ये लोग मारने के लिए नहीं आ रहे, ये तो बाहें खोल के हमारी तरफ आ रहे हैं जैसे कि इन्होंने वेलकम करना हो हमें। और ये साहबा ने कहा कि गालियां दे रहे हैं, साबी एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा गाली नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता, उन्होंने अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल की कि दीज पीपल आर नॉट हियर टू फाइट, ये बेसिकली बद्दू हैं या इनको पता नहीं है, ये मारने के लिए या लड़ाई के लिए है ही नहीं बैठे हुए, ये अपनी अच्छी नीयत में साबी बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि साबी एक गाली है हमारे लिए। तो खालिद वलीद ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि भाई मैंने तुझे ऑर्डर टू किल कह दिया हुआ है, ये डबल ओवर थिंक ना कर, एंड ही सेड नहीं मैं ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लाई टू योर ऑर्डर, दीज पीपल आर नॉट हियर टू किल अस। खालिद वलीद ने कहा कि नहीं मैं जो मैंने जो ऑर्डर दिया कंप्लाई करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने घोड़ा रोका और वापस दौड़ाया। खालिद बिन वलीद ने खैर बहरहाल वो जंग हुई, लोग मारे गए, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाके नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन उमर ने म्यूटनी की। ये बहुत ही बड़ा गुनाह, याद रखिएगा, म्यूटनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस इन इस्लाम अगेंस्ट योर अमीर, वो भी ड्यूरिंग अ वॉर, उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। इस्लाम की क्लियर क्रिटिकल लेजिस्लेशन है कि उस बंदे की तौबा कबूल नहीं है, खुद तो इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है कि तौबा ही कबूल नहीं है, कि जो जंग के दौरान अमीर का हुक्म माने के खिलाफ जाए और भाग आए, लिटरली भाग आए। जब वो केस प्रेजेंट हुआ नबी इस्लाम को कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये किया है, तो नबी इस्लाम ने फिर, क्योंकि नबी इस्लाम तो दोनों फरीकों की बातें सुनते थे, नबी इस्लाम ने बुलाया कि हाँ जी आपने क्यों किया है, एंड ही सेड कि मैंने ये पूरा वाकया देखा था और ये मेरे पास ये केस है। नबी इस्लाम ने जब ये सुना तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि नबी इस्लाम ने फिर किस तरीके से इसका जो उस वक्त हदीस शाफ है ना, किस गुस्से में ही वेंट इन टू सैडनेस, ही लुक्ड अप इन द हेवंस, रेज्ड हिज हैंड्स एंड ही सेड या अल्लाह मैं ये पूरे के पूरे वाक्य का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। This was a decision that Khalid bin Walid took on his own accord. I did not order him to do that. Qiyamah wale din
मैं इस पूरे वाकये से मुबर्रा हूंगा। याद रखिएगा कि मैं आपको क्यों ये वाकयात सुना रहा हूँ, सो दैट आपकी नेचुरल साइकोलॉजी के अंदर जो जो एक हमारे बुजुर्गान ने कीड़ा डाल दिया है ना, वो कीड़ा निकाला जाए सर्जरी करके जहन से, कि भैया बात सुने, मैं आंखें बंद करके इत्तबा नहीं करूंगा जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट हुक्म नहीं होगा। मैं आंखें खोल के तबाह करने वाला, खुद सोच के तबाह करने वाला बंदा हूं कि मेरे पास एक स्टेंसिल होना चाहिए कि जो भी बंदा अगर अल्लाह ताला के इंतजाम निजाम के ऊपर, अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर मुझे लेके जा रहा है, तो वो जो भी है मैं उसको फॉलो करूंगा, मगर आंखें कभी नहीं बंद करूंगा। आई एम गोइंग टू कीप थिंकिंग माई सेल्फ टिल आई डाई, कीप थिंकिंग माई सेल्फ इन टू द सिस्टम, फॉर द सिस्टम, अबाउट द सिस्टम, टिल आई डाई। अब मसला ये होता है कि जिसकी वजह से मैं ये सीरीज कर रहा हूं, कि हम ये बाकायदा कॉन्शियसनेस के अंदर रह के, हमारे ऊपर कुछ दो तीन लेयर्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा आम बंदा पढ़ने लिखने के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी, जो नहीं पढ़ते उनको तो मैं समझ सकता हूं, उनको क्या पता कि क्या क्या सही है क्या गलत है, पढ़ने लिखने के बाद भी ज्यादा बड़ा गुलाम बन जाता है, ज्यादा किताबें पढ़ के और ज्यादा गुलाम बन जाता है किसी और उस फलसफे का कि जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं नबी अलैहिस्सलाम के पास। एंड दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई विल टेल यू हाउ दिस हैपेंस। जब एक फिलॉसफी गुलामी के अंदर रह के अपने आप को सेटलमेंट साइकोलॉजी के अंदर प्रूव कर चुकी हो कि गुलामी के अंदर रह के भी ठीक है, इधर भी एक परसेंटेज ऑफ इस्लाम प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम या तो 100 होता है या 0 होता है। इस्लाम सेटल नहीं करता कि अपने आप को किसी से। अल्लाह और एक इंसान के अंदर, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह और एक इंसान के माबैन आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की ग्रेस के खिलाफ है कि हम अल्लाह को भी माने और कहें चले 60% अल्लाह, 40% कोई और इंसान, नाउज बिल्ला 99.9% अल्लाह और 0.001% कोई और इंसान का फलसफा। ये अल्लाह ताला ही की ग्रेस के खिलाफ है कि एक इंसान अपने रब को रब भी माने और उसको उसके अंदर मिलावट कर ले उसके अहकाम में किसी और गैर अल्लाह की। नो दैट्स नॉट ऑफ जस्ट एन इस्लामिक साइकोलॉजी, दैट्स एनीबॉडीज साइकोलॉजी, दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं आपको कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आपके अंदर भी यही आवाजें हैं। अब हुआ ये है कि हमारे पास, हम जिस दौर में पैदा हुए ना, आई स्टार्टेड रीडिंग व्हेन लाइक कॉन्शियस लिटरेचर, कॉन्शियसली मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू हुआ इस्लाम का व्हेन इन द लेट 90s ऑब्वियसली, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग के मेरे पास अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अलग अलग कल्चर्स में परवान चढ़ाया जा रहा था मुझे, और मैं अलग अलग किस्म के असातिज़ा के साथ बैठा होता था, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी, और मुझे एक ट्राइंगुलर ट्राइफेक्टा कहते हैं इसको, ट्राइंगुलर मेथोडोलॉजी के ऊपर कुरान पाक प्रेजेंट किया गया मेरे एक उस्ताद की तरफ से, कि यार कभी एक तफसीर ना पढ़ी, हमेशा तीन तफसीरें खोली। एंड आई सेड ओके व्हाई, एंड ही सेड बिकॉज किसी एक बंदे के ताबे ना आ जाए, कुरान पाक का इफेक्ट आएगा, कुरान पाक का लफ्ज लिखा हुआ है, कुरान लिखा हुआ है, कुरान का मतलब है कि तू अल्लाह का लफ्ज समझ लेगा इसको, तेरे बस में नहीं है जो तफसीर खोलेगा, हालांकि वो इंसान का लफ्ज है, तफसीर है वो, कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम है, तफसीर अल्लाह का कलाम नहीं है, मगर चूंकि कुरान खोला होगा तूने, तो तेरे जहन ने यह समझना है कि ये अल्लाह का कलाम है और तू उसको उसी तरीके से मानेगा जैसे कि अल्लाह का मानने का हुक्म है, तो ऐसे ये गलती ना कर ले। बड़ी कॉन्शियस ट्रेनिंग हुई, 2-3 साल तक ये लेक्चर मुझे मिलता रहा कि कहीं तुझे इस बायसनेस में तो नहीं आ गया कि तू किसी प्रोफेसर को पढ़ रहा है और तू समझ रहा अल्लाह को पढ़ रहा है। बड़ा मुश्किल होता है, आम बंदा जब तक कॉन्शियस ना रहे तब तक वो इस पुल से स्लिप होता ही होता है। फिर तीन तफसीरें क्यों, तीन तफसीरों का फिर असूल ये बताया कि बात ने सबसे पहले तो 500 साल पहली पहले 200-300 साल की तफसीरें खोले जो कि नबी इस्लाम के सहाबा के दौर के करीब तरीन हो, और फिर अपने दौर की खोले ताकि आपके मसाइल का हल भी वहां से निकल सके, और एक बीच की तस्वीर खोलें ताकि आपको एक रेफरेंस जो कि क्लासिकल ईरा की हो, एटलीस्ट प्री क्लासिकल की ना भी हो तो क्लासिकल की जरूर हो, ताकि एक रेफरेंस पॉइंट आपको मिले अपने इस लोकल स्कॉलर का। सो आई गेट दैट, आई लव द आइडिया एंड आई नेवर स्टॉप डूइंग दैट,
मगर एक चीज उन्होंने मिस की जो कि बाद में मैंने रियलाइज की कि हमें असल में ऐसे नहीं देखना चाहिए। ट्रायंगल बिल्कुल ठीक बनाया उन्होंने, हमें ऐसे देखना चाहिए। आफ्टर स्टडिंग द बुक्स ऑफ साइकोलॉजी आई केम अप विद द न्यू की। आई वॉन्ट एवरीवन एवरी मुस्लिम टू रीड द कुरान थ्रू यूजिंग द सेम ट्राइंगल बट चेंजिंग द फॉर्मूला ऑफ द चॉइस ऑफ पिकिंग आउट द स्कॉलर्स। हमें प्री क्लासिकल का तो जरूर उठाना चाहिए, वो तो कोई शक ही नहीं है क्योंकि वो नबी इस्लाम के करीब तरीन है। हमें फिर एक लोकल जरूर उठाना चाहिए क्योंकि हाँ हमें देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और हमें एक ऐसे टाइम का स्कॉलर भी उठाना चाहिए कि जो कि उस वक्त का हो कि जब मुसलमानों ने उरूज हासिल किया था फाइटिंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव फॉट। वो जब फाते थे, ये एंगल आप पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों किस नेचुरल साइकोलॉजी को दावत दे रहा था शुरू में। अभी बात करते वक्त जब आप उन फाते स्कॉलर्स को कुरान पाक को इंटरप्रेट करता देखेंगे और उनसे कंपेयर करेंगे अपनी लोकल साइकोलॉजी को अपने स्कॉलर्स की, तो आपको उसी वक्त क्लियर हो जाएगा कि ये लोग गलती क्या कर रहे हैं। ये पस्त नफ्सियात के साथ कुरान पाक को देख रहे थे, मनूवरिंग सिखा रहे थे, हिकमत सिखा रहे थे कि पिंजरे के अंदर रहते कैसे हैं। आप जित मर्जी स्कॉलर को उठाएं, जो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो सल्फी हो, वो जब इन रीसेंट 100 इयर्स के अंदर 150 इयर्स के अंदर आप स्कॉलरशिप उठाएंगे तो आपको साफ समझ आ जाएगी कि दीज पीपल वर ट्राइंग टू टीच अस हाउ टू कोप विद समबडी एल्सेस सिस्टम, कोपिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं। और उसका नाउज बिल नाम कुरान पे लगा दिया, गुलामी के अंदर सेटलमेंट की साइकोलॉजी सिखा रहे हैं और नाम चूंकि कुरान का लगता है तो हम समझते हैं इस्लाम ही है। इसलिए हमें अली बिन अबी तालिब समझ नहीं आते, इसलिए हमें उमर खत्ताब समझ नहीं आते। एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमें सहाबी क्यों नहीं समझ आते। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड द सहाबी साइकोलॉजी बिकॉज सहाबी नेवर बाउड डाउन टू एनीबडी एल्सेस सिस्टम। यहां पे प्री सपोजिशन ली जाती है कि सिस्टम के अंदर रह के कैसे रहे जिंदगी गुजारनी है। सिस्टम के अंदर रह के जिंदगी गुजारनी है तो गुजारे, कोई मसला नहीं है, मगर उस पर अल्लाह का नाम क्यों लगा रहे हैं आप? यू नीड टू अंडरस्टैंड अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं है। किसी वजह से हमें गुलामों के अंदर पैदा किया गया ताकि इस शैकल्स को तोड़ने की टेक्निक निकाली जाए, शैकल्स को चमकाने की टेक्निक नहीं अल्लाह ताला ने सिखाई। नहीं, जब एक बंदा गुलाम हो और एक सिस्टम ऑफ गुलामी में रहता हो, कुरान पाक की 60-70% आयात तो उसके ऊपर लागू ही नहीं होती। और क्या बहाना लगता है जब भी ये बात आप करेंगे आगे से, बहाना पता क्या है? गुलामों की तरफ से बहाना आएगा, कुरान हर एक के लिए आई है, सिर्फ हाकमों के लिए नहीं आई। आप ये क्या नई बातें कर रहे हैं, कुरान पाक हर एक के लिए आया। अच्छा तो करो जाके कुतिबा अलैकुमुल किताल या कुतिबा अलैकुमुस सियाम की आयतें सुनाओ जरा किसी किसी एक डिसीजन मेकर को, तुम्हें समझा देगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ऑर्डर्स की आयतें कैसे मैं किसी को सुनाऊं? वो कहेंगे आप कौन है भाई, ये कौन है आपको, आपने कब से हमें ऑर्डर देना शुरू कर दिए? हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम नाफिज हुआ है, हम एक पूरी ग्लोबल हार्मनी के अंदर रहते हैं। सो आई गेट ऑल ऑफ दिस, आई नो, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बट डोंट कॉल इट अ गॉडली सिस्टम। ना एक गुलाम बंदा कुरान पाक को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। कुरान पाक की प्री सपोजिशन ये है कि सिस्टम की लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें कुरान समझ आ रहेगा, सिस्टम नाफिज कर दिया, कुरान पाक की एप्लीकेशन समझ आ जाएगी। It's such an amazing contrast. और उसके रिएक्शन में ना दो तीन लेयर्स के ऊपर आपको असरात नजर आएंगे। आप देखेंगे कभी भी रिलीजियस स्कॉलर आपस में हार्मोनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा पैनल बना के आया करेगी और रिलीजियस स्कॉलर हमेशा सोलो आया करेंगे। ये रिएक्शन होती है, देखें इसकी बहस बहुत लंबी है कि आप मैंने ये वाली एग्जाम्पल क्यों दी है सोलो और ग्रुप बनाने की। ये थोड़ी सी टेक्निकल है इसलिए तफसील में नहीं जा रहा हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब कोई बंदा गुलामों की स्कॉलरशिप के अंदर पैदा हुआ हो तो वो कुरान पाक को भी और अल्लाह ताला के इस सिस्टम को भी रीइंटरप्रेट कर देगा अपनी इस लाइफस्टाइल के अंदर। और जब भी कोई बंदा आके बोलेगा जत्थे में कि यार मुझसे नहीं ये बर्दाश्त हो रही शक्ल, वो फिर कुरान पाक के फतवे लगेंगे उसके ऊपर, उस स्कॉलरशिप के ऊपर।
उसके ऊपर हदीसें सुनाई जाएंगी उसके खिलाफ कि ये जो है ना ये टेररिस्ट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया एक्सट्रीमिस्ट हो गया. आई गेट ऑल ऑफ दैट. हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माज़ बिन जबल को तो नहीं कहा एक्सट्रीमिस्ट हो गया. सोचें खालिद बिन वलीद ने अब्दुल्ला बिन उमर से तो नहीं कहा कि ये तो टेररिस्ट है. नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग एंड वी आर गोइंग टू बी अ पार्टी टू द क्राउड. We are going to be a party to the bigger movement which is going to lead us. मतलब embarrassment होनी है हमें मरने के बाद. ये natural voice है हमारी कि हमें absolute truth दिखाया जाए. जब हम बोलें तो गलत ना बोल रहे हो. ये हमारी natural need है. कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी कि मरने के फौरन बाद फरिश्ते उठेंगे यार तू तो गलत बातें करता रहा सर. दुनिया में जितने मर्जी comments आ जाए reviews आ जाए it doesn't matter. असल में शर्मिंदगी तो ये होगी कि फरिश्ते उठेंगे कि साहिल मियां अल्लाह ना करे ऐसा कि तू एब्सोल्यूट रॉन्ग की तरफ जाता रहा. सारा कुछ जाया नहीं हो जाएगा. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना इन्ना हुकाना ज़ालूमन जहूला. जब कुरान और ये कब कहा जब अल्लाह ताला को इंसानों ने जाकर ना कि हमें अमानत दें हम नीचे संभालेंगे जाके. अल्लाह ताला ने कहा नहीं ये आपने इसको पता ही नहीं था ये क्या कह रहा है. जाहिल था. इसने अपने ऊपर वह बोझ डाल लिया कि जो ये सहार ही नहीं सकता था. जालिम था. जलूमन अंदर की हम सब की आवाज नहीं है क्या? नेचुरल फितरा नहीं है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ? हमें नेचुरल डिमांड नहीं है? अपने आप से ये डिमांड नहीं करता इंसान? इसका टेस्ट है कि जो बंदा ऑब्वियसली गलत बात कर रहा हो ऑब्वियसली आप उसको बेवकूफ समझते हो उसे दोबारा बात नहीं करना चाहते उस पर हंसते हैं उस पर गुस्सा करते हैं. ये नेचुरल डिमांड है ना. हर बंदा हर बंदे को सुनने के पीछे क्या डिमांड रखता है कि तू सही बात कर हक बता रहा हो. अभी वो क्या नैरेटिव दे रहे हैं पीटीआई वाले? नेचुरल नैरेटिव दे रहे कि हक और बातिल के बीच में न्यूट्रल नहीं हो सकते आप हक की तरफ जाना है. हम सबको पहले से पता है हम सबको पता है नेचुरल डिमांड. वो हक क्या है ये कि तुम्हें कहां से पता चल गया कि तुम हक पे हो? जब 3 साल तुम गवर्नमेंट में थे तो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर न्यूट्रल हो गए थे तुम. जब भी हम कह रहे थे कि चाइना में मुसलमानों का मसला तो आपने खुद बोला था इमरान खान साहब कि ये उनका अपना मसला है. आप न्यूट्रल खेल रहे थे उस वक्त. ये कहानी किसी और को सुनाना आके कि हक और ये सब सियासी ड्रामे हैं आपके. नेचुरल साइकोलॉजी को दावत दे रहे हैं लेकिन आप ये हक डिमांड है नेचुरल हमारी. न्यूट्रल नहीं रह सकते इट्स अ डिमांड. और भी बड़ी जगहों पे न्यूट्रल होते हैं. मैं बताता हूं आपको जो सोचना चाहता है खुद. जब आप एक सिस्टम के अंदर रहते हैं और यूएन की लेजिस्लेशन पूरी करनी पड़ती है आपको आप एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और लोगों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है वोट नहीं पड़ेंगे तो आप न्यूट्रल ही रहेंगे. इसी को ये लोग सियासत कहते हैं. मेरा नबी कहता था कि जब हक और बातिल हो तो जो मर्जी कर लो चाहे चांद मेरे दाएं हाथ पे रख दो और सूरज मेरे बाएं हाथ पे रख दो सब कुछ दे दो जितनी मर्जी लड़ाइयां करनी है कर लो आए बेशक सब के सब मर जाए मगर मैं हक की बात ही करूंगा. ये है असली हक. ये लोग कहते नहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मैं आफिया सिद्दीकी की बात भी नहीं करूंगा मैं उइगर मुस्लिम्स की बात भी नहीं करूंगा मैं खुलेआम तालिबान की बात भी नहीं करूंगा. आर यू किडिंग मी? तुमने तो हर जगह भी न्यूट्रल स्टैंड रखा. इसी को तो सियासत कहते हो तुम लोग. तुमने कभी भी खुलेआम हक की बात नहीं करनी. इसराइल के खिलाफ यूएन में वो कर दोगे इसराइल बम मारता है फलस्तीनियों को बेटा आपके पास न्यूक्लियर बम है एटलीस्ट थ्रेट ही कर दे. नहीं नहीं हम सिर्फ यूएन में जाके बात करेंगे. ओके क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते? वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है. या वी नो दिस हकीमाना साइकोलॉजी. हक क्या डिमांड कर रहा है इस वक्त? वो तुर्की का जो उर्दगान है वो बर्मा के लिए एक्शन लेना शुरू हो गया था कि आओ हम भी देते जगह. आपने बर्मीज को तो नहीं एक्शन दिया क्या? आ जाए हम पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खुला हुआ है आए खुले जितने मुसलमान आ जाए. नहीं वो उनका मसला है. हम वहां पे न्यूट्रल हैं आप? जी हम वहां पे न्यूट्रल हैं. आप तो कह रहे हैं कि हक और बातिल में न्यूट्रल नहीं होते होते. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देर इज ए वेरी क्लियर प्रेरोगेटिव विच ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ चाहिए. वी नीड द ट्रूथ.
दी एब्सोल्यूट ट्रूथ, और उसकी जिस मर्जी जगह पे, मैं कहता हूँ किसी गांव में बैठ के 6 औरतें और 2 मर्द बैठे हुए हो और कुछ भी डिस्कशन करें और आप उनको हक की बात बताएं ना, ऐसे कान खोल के सुनेंगे। नेचुरल डिमांड है, इंसानी बच्चा पैदा होता है इस डिमांड के साथ, बाद में डिटरमिन होता है कि उसका जेंडर क्या होगा, पहले ये डिमांड डिटरमिन होती है कि इसकी डिमांड क्या होगी, और वो हक की डिमांड है। इट इज सच अ बेसिक बेसिक मेक ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ आर मेक, वी आर नेवर गोइंग टू बाउ डाउन टू एनीथिंग विच इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। चाहे जितने मर्जी आप इन लव हो फॉर वट एवर रीजन टू एनी बारी, एज सून एज यू फाइंड आउट दैट दैट्स नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ लव इन अ सेकेंड। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग। You're going to fall out of love in a second as soon as you find out this is, or there's a more clearer version of truth in somebody else. And I'm talking about whoever loves whoever as a leader, no matter, wherever in the part of the world he is. So, जैसे ही आप पिंजरे के कैद हुए पंछी जो पैदा ही पिंजरे में हुए उनकी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उनकी तफसीर पढ़ेंगे, उनकी फिजिक्स पढ़ेंगे, उनकी बायोलॉजी पढ़ेंगे, आई एम जस्ट सेइंग एवरीबॉडी, ये ना खाली मौलियों की बात कुछ समझ लेना। दीज पीपल हैव मेड श्योर के हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हो, हम उसी छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर, छोटे छोटे कुएं के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो ईगो के, दुनिया में हम रहे तो एटलीस्ट सर अपना फख्र से उठा के चलें, और फरिश्ते आके आप हमारा सर गर्दन से अलग करेंगे, बेटा ये सर उठा के चलते तुमसे ज्यादा ना हक कोई था ही नहीं, और अपने आप को हक पे समझते थे, नाम अल्लाह का लगाना शुरू कर दिया तुमने। एटलीस्ट कोई पीटर जोहेंसन बोल देते, कोई माइकल बोल देते, और कोई कोई कुछ और बोल देते, कोई गजनफर बोल देते, किसी लोकल को पकड़ लेते, कोई अशफाक अहमद बोल देते, तुम अल्लाह का नाम क्यों लगा रहे थे भाई? अल्लाह के तुम समझते अल्लाह ने ये कहा ये हक। This is where the absolute truth is. You did not have a prophet. Did we not send you with clear prophet and the companions of the prophet did not practice that? Tumhe samajh nahi aa rahi thi. So it's a very big problem. I agar koi kahe na sal bhai solution bataye, solution bada aasan sa hai. Jab musalman peak pe the us waqt ki scholarship ka Quran Pak pakde, उनकी तफसीर खोले, आपको पता चले कि मुसलमान सुपीरियर साइकोलॉजी के ऊपर जब तक कुरान पाक को इंटरप्रेट नहीं करेगा, कुरान को भी खींचने की कोशिश करेगा नीचे। इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं इस वक्त जो भी पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के अंदर लिखी गई स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसलिए जब भी, और वो क्यों ना लिखें, अभी भी आपको पता है कि जैसे ही आप टीवी पे आते हैं तो आप देखते हैं टीवी पे पॉलिटिकली करेक्ट बयान दे रहे होते हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, क्यों? उनको पता होता है टीवी का चैनल बंद हो जाएगा पहले से ही। मैं भी जब भी टीवी पे जाता हूँ आपको मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन आती है, मैं कहता फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने वाला। ये नहीं, आप ऐसा करें, इमरान खान साहब का नाम ना लेना, नवाज शरीफ साहब का नाम ना लेना, बाकी जनरल स्टेटमेंट जरूर दे दें, आपने आर्मी का नाम नहीं लेना, ये मुझे टीवी वाले बोल रहे होते हैं, आपने किसी स्कॉलर का नाम ऐसे नहीं लेना, आपने शिया नहीं बोलना, आपने सुन्नी नहीं बोलना। I'm thinking, ये आपको क्या मसला क्या, अगर मैंने ये बोल दिया आप क्या समझ लिए मैं क्या कर दूंगा? नहीं, वो पैमरा की इंस्ट्रक्शन दी है तो इसकी इंस्ट्रक्शन दी है तो इसकी इंस्ट्रक्शन दी है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, हर टीवी चैनल बुला चुके हैं ना मुझे, एंड आई एम ऑलवेज सेइंग बेटा ये साइंस वाइन कोई नहीं कर रहा, पहले से बता रहा हूँ, मुझे पता है आप बेसिकली बिजनेसमैन है, आपको चाहिए रेटिंग्स, और आपने मुझे बुलाया इसलिए क्योंकि मैं खुली बात कर देता हूँ, लोग सुनने की कोशिश करते हैं और एक आपको टीआरपी मिल जाती है। आप मुझे इसलिए नहीं बुला रहे कि आपको दीन से कोई प्यार है, आप मुझे अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से बुला रहे हैं। यू थिंक आई डोंट नो द बिगर गेम हियर? यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री, आई एम योर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, सो लेट मी बी लूज। आप साइड पे हो जाए, अपने पैसे कमाने कमाए, मेरा काम जो है उस वो लोगों की नेचुरल डिमांड है, लोगों ने नेचुरल डिमांड है सुना है, मैं कोई डांस तो करके दिखाता नहीं या गाने तो सुनाता नहीं। आपने समझ लिया कि मैं आपका पपेट हूं और आपको पैसे बन जाएंगे मेरी वजह से, तो आपको बहुत बड़ा मुगालता है। असल में मेरा मकसद आपको पपेट बना, आपके प्लेटफॉर्म को यूज करना है कि बड़ी बात पहुंच जाए, पैमरा
मुझे जेल में डालेगा वो मेरा और पैमरा का मसला है, बात ही बात है। मगर ज्यादातर आप देखें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कैसी हो रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से कुरान पाक की जब ये तफसीर और इंटरप्रिटेशन और बयान चल रहे होते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ इनको वो वाले मामला पूरे करने पड़ जाते हैं, साइकोलॉजिकली पूरे करने पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर स्कॉलरशिप अपनी स्कॉलरशिप को अपने असातिज़ा को सेटिस्फाई करती ही करती है कि मेरे उस्ताद ने ये लिखा हुआ था वो है उसकी पैमरा, मैं उस मेरे बरेलवीज़म में ये चीजें प्री सपोजिशन में आती है क्योंकि आला हजरत ने लिखी है, ये है उसकी पैमरा, मैं देवबंदी हूँ मेरे स्कॉलरशिप ने ये चीजें प्री सपोजिशन में अकीदे में डाली हुई है, ये इंटरप्रिटेशन मौलाना मोहम्मद शफी की है, ये असफ अली थानवी की है, ये मेरी पैमरा है। आप जितने मर्जी आप तारिक मसूद साहब के लेक्चर सुन लें वो देवबंद स्कॉलरशिप के मेन फ्रेम को नहीं हिलने देंगे, ये उनकी पैमरा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर टू, कि जब तक आप आजाद मुसलमानों की तफसीर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको गुलाम मुसलमानों की तफसीर के अंदर गुलामी दबकती नजर नहीं आएगी, और जब तक आपने आजाद मुसलमानों की तफसीर नहीं पढ़ी तब तक सहाबी समझ नहीं आएंगे, और जब तक सहाबी समझ नहीं आएंगे तब तक आपको माज़ बिन जबल का जुमला समझ नहीं आएगा। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, मैं अल्लाह को रिपोर्ट कर। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू टू रीड और थिंक ऑन योर ओन, थिंक योर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्सेस दैट वर ऑलरेडी देयर व्हेन वी वर बोर्न इनसाइड द बॉक्सेस, वी हैव टू ब्रेक आउटसाइड द बॉक्सेस एंड जस्ट थिंक कि मैंने अली बिन अबी तालिब प्रोड्यूस करने हैं, मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम प्रोड्यूस करने हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास प्रोड्यूस करने हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद प्रोड्यूस करने हैं, इस माशरे में ये ऐसे नहीं होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ यू नो ज्यादा से ज्यादा दरबारों के अंदर बैठे हुए वो मुल्ला प्रोड्यूस कर लूंगा जो अपने अपने वक्त के निज़ाम को खुश कर रहे होंगे, और ये बड़े गुजरे हैं, हजारों लाखों गुजरे हैं ऐसे मुसलमानों में। यू नीड टू फाइंड आउट किस तरीके से आपने अपनी इस साइकोलॉजिकल टेक्निकलिटी को देखना है, ये टेक्निकलिटी है, इसको देखना है, इसको मैकेनिक की तरह देखना है आपने, जब तक मैकेनिक या डॉक्टर की तरह ही देखेंगे अपनी नफ्सियात को तब तक ये गलती की ही की हमने। एंड दिस इज वॉट यू आर ऑल सफरिंग फ्रॉम। एंड मैं एक केस स्टडी लेता हूँ, किसी एक लड़की की केस स्टडी लिखें, आप एक लड़की की केस स्टडी से बेहतर कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है जो आपको समझ आ जाएगी कि गुलामाना साइकोलॉजी के अंदर हम आप किस तरीके से, हालांकि काम हम भी वही कर रहे होते हैं मगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, हमें वो नजर नहीं आता। लड़की को जब आप किसी ऐसे निजाम में डालते हैं शादी के बाद और फिर उसको कहते हैं कि बेटा ये तेरे इस पूरे लाइफस्टाइल की रिस्क असेसमेंट है कि अगर तूने कोई ऐसी बात कर दी जो निज़ाम के खिलाफ है तुझे वो तलाक दे देंगे और फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे तुझे, सोशल इश्यूज हो जाएंगे, तो तू बस जो है कॉम्प्रोमाइज कर। ये एग्जैक्ट सेम सिनेरियो अल्फाज बदल के आदमी के साथ भी हो रहा होता है, आदमी लेकिन बड़े सिस्टम के अंदर वही हरकतें कर रहा है, उसकी सास और उसका ससुर वो सोशल सिस्टम के सरबराहान होते हैं, ठीक है, उसके दफ्तर में वही वाली केस स्टडी चलती है, वो बॉस के खिलाफ कुछ नहीं करता, और उसके मुआशरे में वही करता है वो, हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करता, सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज वही कर रहा है, तकलीफ उसका वही है, नफसियात उसकी वही है, आजाद बंदे को बेड़ियां डाली जा रही है और वो कुछ लोग कही जा रहे हैं बस यार हमारे भी तो बेड़ियां पड़ी हुई है। खैर है इसी तरह कि थोड़ी सी तो जिंदगी है, यही बहाने हैं ना औरतों के भी, कुछ ही जिंदगी है साल तक, अब आपकी तो उम्र पूरी हो चुकी है, अब आप बच्चे पालें बस यही करें। हर औरत को केस स्टडी बनाए मर्द और आपको पता चलेगा हम भी वही वाली औरत वाली लाइफ ही गुजार रहे हैं, औरत और मर्द दोनों एक ही लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब है हम हमारी सास ससुर कहीं और हैं, हमारे खानदान के बड़ों की बजाय माशरे के बड़े हो जाते हैं, उनके खानदान के बड़े होते हैं, दोनों बड़ी दोनों वही करनी पड़ती है, हम सबको कॉम्प्रोमाइज वही करनी पड़ती है, बेड़ियों के दाग पड़े हुए हमारे टखनों पे लगे हुए, खूनों खून हुए हैं हम हर जगह से, चीजें खींची जाती हैं हमारे ऊपर, और हम क्या करते हैं उन दो नंबर बुजुर्गान के इन थपकियों का वेट करते हैं कि बेटा फिक्र ना कर, वार्डन से मेरी जान पहचान अच्छी है, बात करूंगा, तुझे खाना थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाएगा, बस दैट्स इट। और आप देखें कि यही वाले मामला चल रहे कि पाकिस्तान का यूथ ना, मैं एक दफा कभी ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, ये कोविड के बीच में वाकया हुआ है, तो यूथ ने मुझे बुलाया था, काफी सारे पीटीआई के लड़के थे वहां पे, एंड आई सेड क्या सोच के आए थे ना, मतलब क्या क्या एक्टिविज्म है तुम्हारे अंदर, आई स्वेयर टू यू आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, उन्होंने बोला भी
और जिन्होंने नहीं भी बोला तो उन्होंने बता दिया कि वो बेसिकली कुछ पोजीशन और पावर चाह रहे हैं, पोजीशन और पावर चाह रहे हैं, छोटे छोटे ना काउंसलर्स बनना चाह रहे हैं, तो अपने लोगों के अंदर बताना चाह रहे हैं कि वो हम भी कुछ चीज हैं, हमें भी कुछ मिलेगा। जेल के अंदर बैठ के एक कैदी दूसरे कैदी को कह रहा, मेरी मेरी सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरी अच्छी लैक सलैक है, मेरे ताबे रहो। मतलब है तो आजाद बंदे ही ना, अपने लोगों को बस ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं कम गुलाम हूं जरा तुमसे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हर घर के अंदर, हर हर खानदान के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, हर इलाके और शहर के अंदर। एवरीबॉडी नजर आ रहा है कि भाई तू बेसिकली गुलाम नहीं है, तुझे अल्लाह ने आजादी पैदा किया था, तेरी सारी डिमांड्स जो है ना बड़े आजाद बंदों वाली हैं, करतूत तेरे सारे गुलामों वाले हैं, मगर तेरी अंदर की डिमांड्स और जो कुछ तेरे मोटिवेटर्स हैं वो सारे आजाद बंदों वाले हैं। अगर तेरे मोटिवेटर आजाद बंदों वाले हैं तो पहचानता क्यों नहीं है तुझे? अल्लाह ताला कही जा रहे निशानियां दिखाऊंगा तुझे तेरे अंदर। यू आर अ फ्री मैन एंड अ फ्री वुमन, यू बाउ ओनली टू अल्लाह। जब अल्लाह के उसूल पूरे करेगा तो तेरी यू नो तेरी ये अंदर की पूरी डिमांड पूरी हो जाएगी और बाकी की किसी के ताबे नहीं रहेगा। तू पकड़ के अपने अमीरुल मोमिनीन का भी गला पकड़ सकता है जो भी तेरे पे नॉमिनेट होगा कि भैया ये यहाँ पे तू अल्लाह के खिलाफ चला गया। कितनी खूबसूरत आजादी अल्लाह ने दी कि कोई भी किसी का गुलाम नहीं, nobody is a slave of anybody, and there is a problem of a natural system ki agar mujhe kisi ka slave banaya ja raha. I hope maine teen angles pakde, I hope maine teenon angles ke sath ek hi baat ko reinterpret kiya hai taki ke aapke andar tarseel ho jaye us narrative ki jo main build kar raha hu, ki khud nahi sochenge, खुद सोचेंगे तो वो हथकड़ियां वो बेड़ियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, गले का तौक नजर आना शुरू हो जाएगा, और जब आपको नजर आना शुरू होगा तो खुद ही स्टाइफलिंग की एक एनर्जी क्रिएट होगी कि मैंने ये तोड़नी ही तोड़नी। अनलेस यू सी वेयर द शैकल्स आर, यू नॉट गोना बी एबल टू फील द पेन ऑफ द शैकल्स। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू रियलाइज द पेन ऑफ दीज शैकल्स। And unless you, और बाकी काम आपकी नेचुरल फितरा खुद करेगी, जब आपको तकलीफ नजर आएगी ना और फील होना शुरू होगी आप खुद ही तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कमजोर से कमजोर औरत ताकतवर से ताकतवर खानदान के खिलाफ खुलाई ले ही लेती है, कमजोर से कमजोर आदमी ताकतवर से ताकतवर हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कर ही लेता है। जब उसको पता होता है कि नहीं यार मुझसे आप मेरी बस होगी, वो कैसे पता चलता है बस होगी? उसको नजर आना शुरू होती बेड़ियां। और मेरी तो नेचुरल डिमांड है क्या, कुरान ना जस्टिफाई करो अपनी गुलामी के साथ, कुरान पाक से ना जस्टिफिकेशन लेके आओ के हाँ बस अखलाक अच्छे कर लें, आप मामलात अच्छे करें, कर्टिसी दिखाया करें, लोगों के हकूक पूरा किया करें, ये वाली कहानियां सुनाते हैं गुलाम कि दैट्स द एपिटमी ऑफ इस्लाम, कि मैं अपने अखलाक अच्छे कर लूं और बस लोगों के साथ मामलात अच्छे कर लूं। ये है इनका क्रीडो, इस्लाम के ऊपर डाला हुआ इन्होंने कि इस्लाम बस ये है। Nobody is going to talk about the free Muslim, the free man, the free woman. No one is going to say these words. इंकलाब तो बहुत बात की बात है, पहले आप अपने आप को तो आजाद कर लेंगे भैया नहीं मैं आपके रूल्स किताबे नहीं हूं, मैं अल्लाह के रूल्स किताबे हूं। प्रूव कर दें आपके अल्लाह के रूल्स है, मैं आपको अभी बात मान लूंगा और आपकी नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह ही की मान रहूंगा, किसी शक में मत रहिएगा कि मैं आपके ताबे आ जाऊंगा। आपको मैं बहुत पसंद आऊंगा, आप जो कह रहे होंगे मैं कर रहा हूँ, मगर वो तब तक जब तक अल्लाह ताला के असूल पूरे हो रहे। जब तक अल्लाह ताला के असूल नहीं पूरे हो रहे तो सबसे पहले मेरा हाथ आएगा, सबसे पहले मेरी आवाज आएगी कि सही मैं नहीं मानता आपको। ये करेज जब तक एक बेटे को अपने बाप के खिलाफ नहीं आएगी, जब तक एक बेटी को अपने बाप के खिलाफ नहीं आएगी, जब तक एक बहू को अपनी सास के खिलाफ नहीं आएगी, जब तक एक आदमी को अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं आएगी, तब तक इस्लाम बहुत अल्लाह ना करे कि वो वाला इस्लाम नाफिज हो जाए कि जो इस वक्त इन गुलाम फिलासफर ने जाके हमें बताया हुआ है। इन्होंने 100 तरीके सिखाने हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के आगे ताबे होने के, और अगली 100 नस्लों ने हमें गालियां देनी है और बददुआएं देनी है कि ये करके गए हो तुम हमारे साथ, तुम अल्लाह के नाम पे करके गई हो, निजाम भी बनाया तो इन्हों गुलामी का निजाम बना दिया। सो टू स्टेप एजेंडा ओनली, सिर्फ और सिर्फ चैलेंज करना शुरू करें, खुद सोचना शुरू करें,
और हर एक को बस ये बताना शुरू करेंगे, बेटा जब तक तू खुद ना सोची मेरी बात ना माने, मेरी बात ना मानी वरना तू मेरे ताबे हो जाएगा। खुद सोच के क्या हो रहा है, पढ़, नहीं पढ़ सकता तो यू नो सुन ले किसी की, और एनालिसिस कर, तकाबली जायजा करके कौन कौन रेफरेंस दे रहा है डायरेक्ट, और उसके बाद फलसफा कहां से तू तरतीब दे रहा है। खाली हदीस पढ़ लेने से नहीं होगा, हदीस का फलसफा भी पढ़, खाली कुरान पढ़ लेने से नहीं होगा, कुरान पाक का फलसफा भी पढ़ कि अल्लाह ताला ये पूरा सिस्टम कैसे और क्यों बनाना चाह रहे हैं। नबी सलाम की सीरा नहीं पढ़ी भी तो आपको कुछ समझ नहीं आनी मैं क्या कह रहा हूं। सो यू नीड टू बी विजिलेंट नाउ, एनर्जी प्रोड्यूस करनी बहुत जरूरी है। जब तक आपने एनर्जी प्रोड्यूस ना की कि भैया मैं नाउ आई एम गोइंग टू टेक कॉन्शियस स्टेप्स, नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, कि कुछ भी मामला हो, किसी भी स्कॉलर को सुनो, किसी भी बंदे से बात करनी हो, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पहले टेबल पर रखा जाएगा, ये मेरा थर्मामीटर है, ये बताएं जो भी आप बात करेंगे, हाउ डू यू क्लेम दैट इट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड दिस इज द थर्मामीटर, दिस इज द स्केल, दिस इज द मेजरमेंट इंडिकेटर, आप मेजर करवा दें कि कहां पे कुरान पाक में ये बात की हुई है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू, और नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू, आई एम गोइंग टू टेक योर वर्ड फॉर इट एंड देन आई एम गोइंग टू टेस्ट इट, and once I'm going to test it, then okay, you will gain my respect points in my index after that. I'm only a vessel through which, you know, words come in, I validate them through the psychology of the Prophet ﷺ and the psychology of the Sahaba, and that's when, main aapko ek indicator batata hu final, uske baad question answer lete hain, ki log Ali bin Abi Talib pe bhi naam lagayenge, log Umar bin Khattab pe bhi naam lagayenge, apne falsafe ka. जब तक आपने उमर बिन खत्ताब को पूरा पढ़ा नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मौलवी साहब आपने अली बिन अबी तालिब की हदीस सुनाई है कि यहाँ पे ऐसे करते हैं क्योंकि आप ही ये कह रहे हैं, तो अली बिन अबी तालिब अगर यहाँ पे ऐसे करते हैं तो फलां जगह पे उन्होंने उल्टा काम क्यों किया। ये उमर बिन खत्ताब ने अगर यहाँ पे नरमी दिखाई है तो फलां जगह पे इसी बात की या इस तरह की बात के ऊपर सख्ती क्यों दिखाई है। आप इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपने सीरा नहीं ना पढ़ी, तो ये सब लोग अपनी गुलामी को अहदीस के थ्रू भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि नबी अस्सलाम ने जहां पे स्टैंड्स लिए हुए हैं वो ये कभी भी नहीं बताते। किसी भी पाकिस्तानी मुसलमान को वो वाले तमाम तर गजवात के अंदर वो तमाम डिसीजन कभी भी नहीं बताए जाते क्योंकि वो इनकी उस फिलोसफी को शटर करवाते हैं, वो इनको गुलाम साबित कर देते। प्रॉब्लम And we have to solve this problem ke mufti sahab aap hamare buzurg sahi aur koi baat nahi aap bhi galat hai achhi baat hai marne se pehle realize kar le mere mujhe allah ne shayad aapke khandan mein isliye paida kiya hai ki aapki qabar ka intezam durust ho jaye ye hai puri ki puri seera aapka falsafa yahan pe aake bilkul dim ho gaya niche chalne ki aap udan niche kar lete hain aur aapne kuch aise steps le liye mein ki koi baat nahi agar 70 saal zaya ho gaye to qiyamah ke din ke 50000 saal to nahi zaya kar rahe na wo bacha lete। Okay, so unless you have the seerah in front of you, do not, the whole seerah, do not try and justify the actions of sahabi. And if you have the whole life stories of the sahabis in front of you, then you are going to be able to classically, clearly, surgically see where the problems are in the interpretation of the Quran and even at intellectual level and at political level and at social level, ye teenon levels ke upar aapko pata chal jayega ki aapke kaam kya hai। I keep getting this question ke sahil sahab aap hi bataye hum kahan pe place ho, hum kya kare। maine aapse pehle kaha sabse pehla kaam ye hai ki apne aap ko shinakht kar le ke bhaiya main aapko misal de deta hu taki aapko clearly baat ho, koi baat confusion mein na jaye। jab bhi maine quran pak ki scientific interpretation ki to maine science ki bina pe nahi ki, maine sahaba ki bina pe ki। science ka to har ek ke paas hai। जब मैं पोर्टल बोलता हूँ तो किसी ने कभी नहीं पूछा है सर पोर्टल होती क्या है, नहीं सबको पता है पोर्टल क्या होती है। ये पूछते हैं कि सर आपने हजरत अली बिन अबी तालिब से पोर्टल कैसे साबित कर। मेरे मौली साहब कहते हैं कि साहिल मियां नई नई बातें करता है इस्लाम में। हमें ये देखिए ये किस तरीके से अपने उस्ताद को सजदा करके बैठा हुआ। मैं उनको डायरेक्ट जब हदीसें सुनाता हूँ साहबा की डायरेक्ट हदीसें तो साफ समझ आते कि ये अपने मौली साहब से ऊपर कभी उड़ान करेंगे ही नहीं। ब्लेटेंट फतवे आते हैं मेरे पर ब्लैक एंड व्हाइट कि तू गुमराह करने वाला, नई नई बातें डालने वाला। हालांकि मैं हदीस सुना रहा हूं, नई बात तो नहीं हो सकती हदीस, मेरे से ज्यादा पुरानी बात तो कोई नहीं करता।
जब हदीसे में सुनाता हूँ वेरीफाइड वैलिडेटेड है, तो बेस्ट केस सिनेरियो पे आता है, नहीं वो एक किताब में फला किताब में ये वाली हदीस ज़ईफ डिक्लेयर हो गई है, तो ये तो बात ही नहीं हो रही। बात ही हो रही है कि आप कितने बड़े गुलाम है, छोड़े इस बात को कि हदीस ज़ईफ है, छोड़े इस बात को साइंस है कुरान में, ये बता रहा हूँ आपको कि आपने एक सजदा किया हुआ अंकल को, उस अंकल से तो बाहर निकले वो कोई खुदा ना खासा खुदा नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सहाबा का नाम लगा के कर रहा हूँ, मैं कोई रिचर्ड डॉकिंस की या स्टीफन हॉकिंस की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप देखें इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आपको बिल्कुल ये पर्दा हटेगा, क्लटर हटेगा और आपके सामने इनके सजदे नजर आना शुरू हो। एंड दैट्स द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट, फर्स्ट यू गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू फॉल इनटू इट्स प्लेस। फिर आपको पॉलिटिकल रिपरकशन नजर आएंगी इनके दो नंबर करतूतों की, तब आपको पता चलेगा कि आज तक इस्लाम की स्कॉलरशिप ने कभी भी तहरीक बनाने की बात क्यों नहीं की कि हाँ भैया बिगर सिस्टम बनाने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी। अब तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी वाले जत्थों की तरह के शक्ल में आते हैं और स्कॉलरशिप हमेशा अकेली अकेली बैठी बैठी है। डॉक्टर साहब अकेले ही बैठे होंगे, उदुद्दीन साहब अकेले ही बैठे होंगे। दे आर नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट द मूवमेंट बिकॉज मूवमेंट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फ्रीडम, द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रेकिंग द सिस्टम। दे आर नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज फॉर दैट there is a lot of layers and layers and layers of slavery on top of us. It's very hard. It's very hard to maine kaha na depression ki awaazein hain, wo itni badi lehar hai ki bhaag ke le jati hai aapko khud ki nahi 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 ye na hi karu to behtar hai yaar, isse to bahut nuksan honge, bacche bhi mar jayenge, main bhi mar jaunga, mere baba jo buzurgan hai unki bhi umre zaya ho chuki hai, sab kuch hi galat sabit ho jayega. Ha to ho jaye khair hai, हमारी जहत ही है कि हम अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाएं, गलत साबित करेंगे तो सही की तरफ जाएंगे ना। सबसे पहला काम ये है कि दो नंबर चीज को गलत साबित करें, दूसरा काम है कि सही की शनाख्त की जाए। सो तीनों एग्जांपल्स, तीनों मेरे जो एंगल से मैंने तीनों की अलग अलग एग्जांपल्स भी दे दी आपको, ताकि आपको पता चले कि हाउ टू मेजर द होल दिस होल ट्रैक ऑफ योर journey towards the truth, your attempt towards finding the absolute truth, because that's your natural demand. That's your natural demand as a free human being. आप आजाद मुसलमान हैं, आप आजाद इंसान हैं, आजाद औरत हैं, आजाद मर्द हैं आप. You cannot take that kind of risk कि मैं less than absolute truth के ऊपर मर जाऊं. Less than absolute truth के ऊपर हम नहीं मर सकते. हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट है, दुनिया में किसी को नहीं दिया गया, एब्सोल्यूट ट्रूथ हमारे पास अभी भी मौजूद है। अब अगर हम भी ग्रे मैटर में मरे ना, तो हमारे साथ जो होना है ना वो यहूदियों ईसाइयों के साथ ही होगा, क्योंकि वो उनकी पैदाइशी, जब वो मेरे साथ का कोई बंदा ईसाई पैदा हुआ था जो भी मेरी उम्र का है, उसके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि मेरी तो किताब ही पीछे 2000 साल से करप्ट हो गई। वो क्यामत वाले दिन कहेगा कि ईसाई अदीम तेरी तो किताब ही इंटैक्ट थी, तू कैसे ग्रे मरा है? मेरे तो पॉल ने ग्रे कर दी थी, मेरे तो ल्यूक ने ग्रे कर दी थी, मार्क ने कर दी थी ग्रे, तेरे तो किसी साहबी ने कोई किताब ग्रे नहीं होने दी, तू भी ग्रे मैटर में मर गया तो फायदा तेरा है। मौलवी कैसे चढ़ गया तू? प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर कैसे चढ़ गया? अपने अंकल कैसे चढ़ गया तू? बड़े चाचा की या बड़े ताया अबू की फिलोसफी में मर गया, लाना था तेरे पे। इस बात का डर है मुझे बस कि मुसलमानों के पास ये चांस नहीं अल्लाह ने छोड़ा कि तुम ग्रे मरो बेटा, तुम्हारा काम था खुद सोच कुरान तक पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काफी सारे यू नो क्लेम आए थे कुरान के, वो कुरान के क्लेम से कुरान नहीं था। वो क्रिश्चियन ने असल में ये किताब लिख के दो नंबरी कर दी, हमारे लोगों ने तफसीर लिख के दो नंबरी कर दी, उन्होंने किताब ही के अंदर दो नंबरी कर दी। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें किताब में दो नंबरी कर दूंगा, अब तुम लोगों को लोगों के चुंगल अपने आप को लोगों के चुंगल से छुड़ा के कुरान तक आना। क्रिश्चियन बेचारे लोगों के चुंगल से छुड़ा तक अपनी बाइबल तक आ भी गए तब भी मारे गए, क्योंकि उनकी किताब ही लोगों ने लिखी है, पॉल ने लिखी है, जिसके चुंगल में वो है सारी इस वक्त। यहूदियों की सेजिस 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 रो रहे होते हैं सेजिस के लिए, अपनी तालमूद लिख दी है, मोर देन 60,000 67,000 कंबाइंड इन दी ओरल कॉमेंट्री इन टैलमूड। वो मारे गए, वो तो लोगों के चुंगल में से निकल ही नहीं सकते, उनकी तो किताब ही लोगों ने लिखी, हमारी तो किताब अल्लाह ने लिखी है, हम कैसे लोगों के चुंगल में फंस सकते हैं?
और अगर चलने लोगों के चुंगल में फंसना है कोई बात, ऐसे आजाद लोगों के चुंगल में आए, वो आपको आजादी सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया आपने अल्लाह के ताब, सिस्टम उनके अंदर ही था। दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू, दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू, द मोस्ट यू कैन डू इज आप खुद तफसीरें लिख रहे हो कुरान पाक और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जाती हो, बहुत बात का लेवल है, कोई बात नहीं, मगर फर्स्ट स्टेप गुलामों से बाहर आए, इस गुलामी से बाहर आए इंशाल्लाह। यस सर, विल टेक द क्वेश्चन। तैयब, ऐसा क्वेश्चन ये है मेरा कि इसी तरह की किसी बात किसी बड़े को या किसी दोस्त को भी बताई जाए तो या तो वो कहता है कि नहीं 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 ये बात जो है ना ये तुमने कहाँ से बात ली है, दूसरी या फिर ये कहा जाता है कि यार चलो बात तो तुम्हारी सही है। एग्जाम्पल ले लें कि आहरत की बात की जाए कि हमें आहरत के लिए जो है ना अपनी दुनिया को जो है ना, दुनिया जो है ना आहरत की खेती है और दुनिया में ही आहरत के लिए जो है ना जो आपने जो बोना है वो आहरत में आपने काटना है, तो सर अगला अगली बात ये होती है कि वो ठीक है तुम्हारी सारी बात, लेकिन लेकिन ये भी तो करनी है ना दूसरी चीजें, फॉर एग्जांपल ये ना नफका वगैरह, सर इस तरह की चीजों को किस तरीके से काउंटर किया जाए जिस तरह का भी वो आर्गुमेंटेशन आगे से देते हैं। आखिरत ही के देखें, आप वो तो खुद कह रहे हैं कि हमें तलवार तो वहाद में पकड़ा रहे हैं आपको कि रबा कर दिया जाए उनके आर्गुमेंट को कि आखिरत की अगर बात करेंगे तो आप आखिरत की एक ही किताब है, आखिरत की किताब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, आखिरत की किताब फिलॉसफी में नहीं है, आखिरत की किताब यू नो किसी प्रोफेसर के पास नहीं है, आखिरत की किताब सिर्फ अल्लाह के पास है और कुरान पाक है। आखिरत का लफ्ज जैसे ही बोला जाएगा रूल्स ऑफ द गेम विल चेंज ऑल ऑफ अ सडन, फिर सारे गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो दुनिया की हिकमती किताबें देते हैं ना आपको तो रूल्स ऑफ द गेम आर डिफरेंट, अगर आखिरत की किताब करते हैं वो आखिरत की बात करते हैं तो हमें रूल्स पता है सारे, आखिरत की किताब सीरा है, सीरा से पता चलता है कि दुनिया में जिंदा दुनिया में कैसे वो जैसे कहते हैं ना खेती, नबी अलैहिस्सलाम ने उस खेती में कौन कौन से बीज बोए हैं कैसे बोए हैं, ये सीरा है ना हमारे पास जी जी। तो आप जब भी कोई बंदा आखिरत की बात करता है खुश हो जाया करेंगे, इसने तो ही इज इन माय होम होम, ये तो मेरी होम फील्ड की बात कर रहा है। सर मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ कि आखिरत के लिए कुछ कर लें, आखिरत के लिए जो है ना ये जो सारे हम काम करने लगे हुए ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से ये कह देते हैं ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन एक और सर आर्गुमेंट आगे से आता है कि तुम इनाइलेशन की तरफ जा रहे हो आगे, काइंड ऑफ ये मेरा क्वेश्चन भी बनता है कि सर हम लाइन ड्रॉ कहाँ पे करें कि हम दुनिया को किस हद तक दुदकार सकते हैं कि मतलब आखिरत तो एब्सोल्यूट है ना, दुनिया भी तो हमने वो लिव करनी है ना किसी हद तक, और उसको किस हद तक हम दुदकार सकते हैं सर। देखें दुनिया को ही तो दुदकारना है, आखिरत को जहां जहां पे आप आखिरत को कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो जो चीज दुनिया की वो तो आप दुदकारेंगे दुनिया की, जहां पे आखिरत कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, दुनिया कई जगहों पे आखिरत को कॉम्प्रोमाइज नहीं भी करती तो खैर एंजॉय करें वहां वहां पे, जहां आखिरत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं कहो फिर बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ना जरा सा होलिस्टिक व्यू दे देता हूँ ताकि सबको आंसर मिल जाए। अगर मैं और आप इमाम शाफई के दौर में पैदा हुए होते या उस दौर में पैदा जहां पे इस्लाम पीक पे था तो मैं आपको कुछ और किसी और एंगल से यही बात करता। अब मैं और आप असल में किसी वजह से इस जमाने में पैदा किए गए हैं, आप अल्लाह को क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम सब अल्लाह को क्यों नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह ताला ने फौजी भेजे हैं नीचे अपने, जंग चल रही है, हम ये बातें करना शुरू कर देना जैसे कि प्रिजनर ऑफ वॉर के कैंप के अंदर बैठ के लूडो के कोई बोर्ड लेके आया हो कि यार लूडो खेलते हैं, समझे, ये वो बातें मेरे कि आप इस वक्त एक कैंप के अंदर हैं, आप एक जरगमाल बनाए गए फौजी हैं, आप इस वक्त इस कैंप से बाहर निकलने की बात करें, आप इस कैंप के अंदर अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं कि हाँ यार चलो जब तक हैं तब तक एंटरटेन कर लें अपने आप को। यू एंड आई आर बोर्न इन अ टाइम वेयर ऑल द मुस्लिम्स आर बीइंग एनस्लेव्ड एंड किल्ड एंड बुचर्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग दुनिया में हर रोज उठो और बैन करो मातम किया करो, ये नहीं है इस्लाम का साइकोलॉजी। Put your effort towards understanding what the bigger problems are. As soon as the child grows up, he needs to understand that har jagah aag lagi hui hai bhaiya. Hum koi na koi effort zarur dalenge to get equipped taki Islam ke hissedar ban sakein and then apply that equipment whenever, wherever we can. Jab tak aap is philosophy ke upar bachche nahi paal rahe, apne aap ko taiyar nahi kar rahe, aur uska bahut aasan sa tarika hai. Sabse pehle kitabon ke through knowledge set leke aayenge. ताकि आपको पता तो चले कि भैया मैं कहीं और
मतलब किसी एब्सोल्यूट ट्रूथ की बजाय किसी और तरफ तो नहीं चल पड़ा हूं, क्योंकि बाय द टाइम यू गोना हिट योर 40s, आई स्वेयर टू यू, ह्यूमन मशीन ने आपके अंदर से धमाके करने शुरू कर देने, आपकी दिमाग ने आपको डिप्रेशन में डालना है और तबाह कर देना आपको, हॉलोनेस में चले जाएंगे आप। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी जो जिस्म हम आपका जिस्म है, और इस जिस्म के अंदर से आवाज आती है, 40वें साल में दुनिया खुद ही खत्म हो जाती है आपकी, आपका ह्यूमर खत्म हो जाता है, आपको हर चीज छिछोई लगती है, आपको दुनियावी बातें सारी सतही लगना शुरू होती है, आपकी दोस्तियां खत्म होना शुरू होती है, बिकॉज वो लोग अभी भी इंजॉयमेंट में होते हैं। देन यू रियलाइज के व्हाई व्हाई एम आई लूजिंग द होल ह्यूमर ऑफ लाइफ हियर, इज देयर अ बिगर थिंग दैट आई एम सपोज्ड टू सैटिस्फाई माय सेल्फ विद, देन द आंसर इज लाइट देयर, यस देयर इज, डू समथिंग फॉर द होल, यू नो, मरने से पहले कुछ छोटा काम, छोटे छोटी जिंदगी गुजार के ना मर जाना, कोई बड़ा काम कर जाना मरने से पहले, ये अंदर की डिमांड है आपकी। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जुमला खुद ही नेचुरली पसंद आएगा कि मरने से पहले को मैं बड़ा काम कर जाऊं, ये हर इंसान को क्यों जुमला पसंद आ रहा है, ये मशीन की डिमांड है। मैंने आपसे कहा ना कि जब आप मशीन की डिमांड खुद मैनुअल खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ पहले सफे पे लिखा होता है मशीन कि ये डिमांड है जी मशीन की, ठीक है। अब जब मशीन की डिमांड आपको पचलती तो आपको पचलता है, तो फिर तो कुरान के अलावा कुछ चारा ही नहीं है, ठीक है। सो सीरा इतनी जरूरी हो जाती है कि सीरा में भी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का, सीरा में ही है दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। क्या नबी सलाम ने शादियां नहीं की? क्या नबी सलाम ने दोस्तियां नहीं की? सो आई एम नॉट सेइंग नाइलिज्म की तरफ जाए, नाइलिज्म नाइलिज्म क्यों जाए भाई, वी आर नॉट, मैं नहीं कहता, मेरे जो जितने बड़े बूढ़े हैं जब भी मैं आहरत की बात करता हूँ तो वो कहते हैं ये तुम क्यों हर वक्त जो है ना, क्यों हर वक्त जो है ना तुम आहरत आहरत कहते रहते हो। मैं उनको लिटरली ब्लेटेंटली कहता हूँ कि ये ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हमने जाना ही जाना है यहाँ पे, हम क्यों भूले बैठे हुए। देखें ये जुमला जो आपको बोला जाता है ना, आप मुस्कुराया करें, ये मेरे नबी और आपके नबी को भी बोला जाता था कि तुम क्यों ऐसी बातें करते हो मोहम्मद, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, दुनिया में भी जिंदा रहना, हमें भी, हम भी ऐसी करें, तुम भी ऐसी करो। क्या कहा था नबी इस्लाम को, औरतें चाहिए औरतें ले लो, पावर चाहिए पावर ले लो, कहा था ना उनको नबी इस्लाम ने, कहा था बेटा तू चांद भी दे दे और सूरज भी दे दे, मैं ये सिस्टम तोड़ने के लिए आया हूँ, ये दो नंबरियां कर रहे हो तुम सारे, अय्याशियों में फंसे हुए हो सारे, ठीक है। सो ये जुमले सुन के आपको फरिश्ते आप पे और मेरे पे मुस्कुराते हैं, ओके, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को ये जुमले सुनाए गए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट लीव द मिशन ऑफ योर ओन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डोंट एवर लीव दैट मिशन, ठीक है। सो सीरा के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। सो डोंट 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 डिस्पेयर, मायूस ना हो, खुश हुआ करें इस बात पे। जी नहीं सर, मायूस नहीं सर, एक और चीज है कि जब इस तरह की कोई बात भी करे ना तो आगे से ये भी कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना इंसान को अपने आप को जो है ना अपने आप के अंदर ये चीज़ें डालनी चाहिए, फिर बाद उसके बाद जाके जो है ना ये बात जो है ना करनी चाहिए कि फ़लाँ चीज़ सही कर लो, फ़लाँ चीज़ सही कर लो, फ़लाँ चीज़ सही कर लो। हालांकि आई एम ट्राइंग, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह जो है ना, नॉलेज सेट के लिहाज से भी और हर एक चीज़ के लिहाज से हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना किसी तरीके कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँ, जिसके अगर कि मेरी पर्सुएशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएं कि मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकूं, शायद तब मान जाए। अतीक बेटा याद रखना, सारी उम्र पर्सुएशन स्किल कुछ नहीं होता, एक ड्रामा है, असल में चीज कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सबसे बड़ी पर्सुएशन स्किल है। अगर आप खुद कैरेक्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, करेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइटियसनेस को खुद प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, तो आप मुंह खोलेंगे या नहीं खोलेंगे लोग आपकी बात मान जाएंगे, लोग आपके रास्ते पे आ जाएंगे। ओके, याद रखिएगा, सिर्फ नॉलेज सेट से कुछ नहीं होने वाला, आपको ये एट्रीब्यूट सेट बनाना पड़ेगा। दिस एट्रीब्यूट सेट इज की, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स पे काम करना साथ साथ शुरू करें। आपकी नीयत अल्लाह ने बना दी हुई है, सोच अल्लाह ने बना दी हुई है, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, याद रखिएगा। जब अल्लाह ताला सोच बना देते हैं ना तो अल्लाह ताला कोई काम ले रहे होते हैं आपसे, जब आप कैरेक्टर बिल्ड करते हैं तो अल्लाह ताला फिर बड़े काम लेते हैं, दीन के काम लेते हैं आपसे। जब आप कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा तो आपसे दीन के काम नहीं लिए जाएंगे, ये रूल याद रखिएगा। अल्लाह ताला अपने नबियों को पहले सादे को अमीन करते हैं, फिर अल्लाह ताला दुनिया का मिशन देते हैं हर नबी के साथ, पहले कैरेक्टर बिल्ड करते हैं और फिर दुनिया का काम लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने ये साइंस समझा दी हुई हमें, याद रखिएगा। ओके, किसी शक में मत रहिएगा कि आपकी बातों में असर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि तज़किया करें अपना कि मेरे कैरेक्टर में कोई मसला है, क्योंकि काम हमने अल्लाह के निजाम का ही बनाने का ही करना है, मगर काम नहीं हो रहा
तो उसके लिए अपना तज़किया साथ साथ करें, ठीक है। तज़किया इज नॉट द अल्टीमेट पर्पस, निज़ाम सेट करना है लोगों को हजारों साल तक, तज़किया निज़ाम के थ्रू जो हो सकता है ना करोड़ों लोगों का, वो किताबों के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू या खानकाहों के थ्रू बैठ के नहीं हो सकता, वो फर्द ही करेगा अपना अपना। निज़ाम हर एक का तज़किया कर देता है, तो निज़ाम की कोशिश है ना आपकी, तो सो टफ सोल्यूशन कैरेक्टर बिल्ड करना, अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर करें। इकबाल कहता है ना, खुदी को कर बुलंद इतना, कैरेक्टर अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर करें, अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर करें कि हर रोज शर्मिंदा हुआ करें, अल्लाह की कसम अकेले में बैठ के रोया करें कि यार मैं अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही फेल हो जा रहा हूँ। मैं आपको फिर बता दूं, मैं हर चौथे दिन अपने अहबाब को, अपने 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 असातिज़ा को कॉलिंग कर करके मैं चीखो पुकार करना शुरू करूँ, यहाँ तक कि मेरे उस्ताद ने मुझे परसों कहा है कि तू एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएगा। मैं अपने आप को फेक बोल जा रहा था कि मैं फेक, मैं हिपोक्रेट हो रहा हूँ, मैं रोज हिपोक्रेसी को एंजॉय कर रहा हूँ अपनी, देख रहा हूँ मैं कि मैं एक बहुत बड़ा मुनाफिक हूँ, क्योंकि इतने इतने एक्शन नहीं क्यों प्रोड्यूस हो रहे, इतने एक्शन मेरे अंदर से प्रोड्यूस नहीं हो रहे कि जितनी मैं बातें कर रहा हूँ लोगों से। ये तस्करी आप अपने रखें, ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, भी रिया में आती है, ये रियाकारी कर रहा हूँ मैं अपने बारे में बात करके। यू अंडरस्टैंड, मेरी जब फैमिली वाले भी कहते हैं ना कि साहिल मियां देर आर अदर स्टैंडर्ड्स जो कि आपके अपने ऊपर सेपरेटली भी अप्लाई होते हैं, वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी ऑन दोस। अल्लाह की कसम अपना आप सबसे बड़ा मुनाफिक लगता है, अपना आप अबू जहल लगता है, डर लगता है कि सलाम ने आना है तो गुस्से में आना मेरे पास। ओके, अपने कैरेक्टर को अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर मेजर करें, अपने स्टैंडर्ड्स को सीरा के ऊपर मेजर करें, और सीरा को कुरान पाक के थ्रू दुनिया तक इंटेलेक्चुअली पहुंचाएं।